आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तुमने मुझे भी पहचाना नहीं है, मैं तांबे की राजकुमारी हूँ। अगर तुमने इसको मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अपनी फौज को लाकर तुम्हारे राज की सीट बजा दूंगी। दोस्तों, ऊपर वाले ने जब ये दुनिया बनाई तो बेहद हसीन और खूबसूरत दुनिया बनाई थी, लेकिन अफसोस कि सन 2020 और 2021 में एक ऐसी भयानक जानलेवा बीमारी आई जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। और इस भयानक बीमारी का नाम है कोरोना। दोस्तों, कोरोना जब इस दुनिया में आया तो न जाने कितनों के सपने ले गया और न जाने कितनों के अपने ले गया। दोस्तों, कोरोना से मैं भी महफूज नहीं रही, मुझे भी कोरोना हो गया था और मैं काफ़ी अरसे तक हॉस्पिटल में रही। वो तो ऊपर वाले का करम है, आप सबका प्यार, मोहब्बत और आपकी दुआओं का असर है जो मैं ठीक हो गई हूँ और आज आपके सामने बैठी हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर करिश्मा से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी एब्सेंस में, मेरी गैर मौजूदगी में उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ तबस्सुम टॉकीज को कंटिन्यू किया। तो अब तो मैं आ गई हूँ, तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज अपने वक्त की जिस टॉप मोस्ट हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत खुश थी और कहती थी कि वाह, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दे दिया है, लेकिन एक चीज़ की कमी छोड़ती है, एक चीज़ ऐसी है जो उसने मुझे नहीं दी और ये चीज़ ऐसी है जो हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है नींद, अच्छी और गहरी नींद। लेकिन अफसोस कि वो मुझे कभी मुयस्सर नहीं हुई और उस बीमारी को कहते हैं इंसोमनिया। और दोस्तों, वो खूबसूरत और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अदाकारा थी नादिरा। दिसंबर 1932 में पैदा हुई थी नादिरा बगदाद में, एक बहुत गरीब यहूदी परिवार में। उनका असली और पूरा नाम था फ्लोरेंस एजिकल। नादिरा कहती थी कि बगदाद में हमारे रिश्तेदार बहुत कम थे और जो थे वो इस काबिल और इस लायक नहीं थे कि कभी हमारी कुछ मदद करते, इसलिए मैं बगदाद को छोड़ के इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद उनकी मुलाकात हुई मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर महबूब खान से और 1951 में वो एक फिल्म बना रहे थे, बहुत बड़ी और शानदार फिल्म, और उस फिल्म का नाम था आन। हीरो थे दिलीप कुमार और उनके साथ दो हीरोइंस थीं, निम्मी और नादिरा। वाकई किसी के मत पर ही नहीं, इन्होंने मुझे मदहोश कर रखा। झूठ, कौन है जिसने तुम्हारे दिल से तलवार की मोहब्बत छीनकर अपना प्रेम बसा दिया है? राजकुमारी उस तलवार से ज्यादा खातिर है, उसने अभी तक मेरी मोहब्बत का इकरार नहीं किया। आन सुपरहिट हो गई और उसके साथ साथ नादिरा भी, और देखते ही देखते नादिरा ने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली। उनमें से एक फिल्म का नाम था श्री 420 और वो फिल्म थी सुपरहिट फिल्म राज कपूर की और उसमें नादिरा का रोल बहुत अच्छा था।
बड़े बड़े सेठ सौकार तुमसे बात करने में अपनी शान समझे। देख से जाओ मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंच जाती हूँ, जहां दौलत है, इज्जत है, ऐशो आराम। आज मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही हूँ। और दोस्तों, इसी फिल्म का गाना इतना सुपरहिट हुआ कि आज तक लोगों के जहन पे छाया हुआ है, और वो गाना है मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। नादिरा कहती थी कि इस फिल्म के बाद मैं टाइप हो गई थी, और इसी नौयत के रोल, ऐसे ही रोल मुझे ज़्यादातर मिलने लगे थे, इसलिए मैंने अपना इमेज बदलने के लिए कई छोटी मोटी फिल्में साइन कर ली। नादिरा कहती थी कि इस बात की तकलीफ मुझे जिंदगी भर रही कि आन जैसी शानदार फिल्म में दिलीप कुमार के साथ हीरोइन बनने के बाद भी मैं टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई, इसलिए मैंने हीरोइन बनने का ख्वाब ख्याल दिल से निकाल दिया और करेक्टर रोल्स करने लगी। जो हुआ है वो तुम जानता है और हम जानता है, और किसी को मालूम नहीं होना मांगता, को भी नहीं। उसको मालूम हो जाएगा, मर जाएगा। जूली के बाद भी नादिरा ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें उनके नेगेटिव रोल थे। अबे ओ बुढ़िया, अब में ताने लटकाई बैठी हो, लेकिन जेवर का शौक अभी तक नहीं गया। चल निकाल लेने जल्दी से। नादिरा को नींद ना आने की बहुत ज्यादा तकलीफ थी, और वो अक्सर कहा करती थी, ये शबे हिजर है ऐ दिले मुस्तरिब। शबे हिजर यानी जुदाई की रात, और दिले मुस्तरिब यानी तकलीफ दे कैफियत दिल की, बेचैन दिल, दुखी दिल। ये शबे हिजर है ऐ दिले मुस्तरिब, नींद आती नहीं, मौत क्या आएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नादिरा ने दो शादियां की थीं। उनके पहले शौहर का नाम था नक्शब, और वो बहुत मशहूर शायर थे। 1949 में उनकी एक फिल्म आई थी, और उस फिल्म के ज़्यादातर गाने नक्शब ने लिखे थे। उस फिल्म का नाम था महल। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अशोक कुमार और डायरेक्टर थे कमाल अमरोही, और उनमें से एक गाना ख़ास तौर पे इतना हिट था कि देखते ही देखते 1949 में लता मंगेशकर को उस गाने ने शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया, और वो गाना था आएगा आएगा आने वाला। लेकिन अफसोस कि बहुत जल्दी दोनों का डाइवोर्स हो गया, और इसकी वजह ये थी कि नक्शब साहब नादिरा के वफादार शौहर नहीं थे। लगे तीर खाने के बाद डाइवोर्स के बाद नादिरा ने दूसरी शादी की एक अरब के साथ, लेकिन अफसोस कि वो भी बेवफा निकला, और नादिरा ने फैसला कर लिया कि मैं अब शादी नहीं करूंगी। नादिरा कहती थी कि इस दुनिया में वफा नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब बेवफा होते हैं, चाहे अपने हों या पराए। लेकिन मेरी दो चार फ्रेंड्स ऐसी थीं जिन्होंने ज़िंदगी भर आखिरी दम तक दोस्ती निभाई, और वो थीं माला सिन्हा, निम्मी,
श्यामा और निरूपा रॉय। नादिरा आपा के साथ मैंने भी कई फिल्मों में काम किया था और अक्सर फ़ोन पे हमारी बातें होती रहती थीं, लेकिन अफसोस कि आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेली थी और नींद के इंतज़ार में उनकी आँखें खुली रहती थीं। और ये इंतज़ार पूरा हुआ 9 फरवरी सन 2006 में, जब वो ये दुनिया छोड़ के चली गईं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।